अपना गर्दन नहीं संभाल पाता था और खुद से उठ के बैठना, हम बैठा भी दे तो गिर जाता था अपने आप, ना चल सकता है ना बोल सकता है। इनफैक्ट उसका गर्दन ऐसे टेढ़ा था, वो भी नहीं वो संभाल पा रहा था अभी। और बोलना समझना उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर शुभम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे पेरेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बच्चे को बहुत सारी समस्याएं थी, सर्वल पाल्सी की दिक्कत थी। बच्चे को डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि आपका बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। और आज उनके बच्चे की स्टोरी उनके माध्यम से ही हम आपको सुनवाते हैं। चलिए मैडम, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रो दीजिए कि आप कहाँ से हैं। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अंशु यादव है, मेरे बच्चे का नाम वंश यादव है, मैं उसके पेरेंट्स हूँ। हम जिला सिद्धार्थ नगर से यहाँ पे आए हुए हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए। अब आप ये बताइए कि आपके बच्चे को जन्म के समय क्या दिक्कत हुई थी, कैसे आपको हमारे सेंटर के बारे में जानकारी हुई? सर जब वो पैदा हुआ था, जन्म के टाइम पे गंदे पानी पीने की वजह से वो रोया नहीं था, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी उसको। तो हम सावित्री हॉस्पिटल में, यही गोरखपुर सावित्री हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराए थे, जहाँ पे अनूप जलान सर उसको 13 दिन तक NICU में रखे थे, प्रॉपर देखे थे। उसके बाद उन्होंने हमें बोला था कि आप एक बार डॉक्टर सियोम सर यहाँ पे आकर विजिट करें, क्योंकि आपका बच्चा गंदा पानी पीने की वजह से ना चल सकता है ना बोल सकता है। इनफैक्ट उसका गर्दन ऐसे टेढ़ा था, वो भी नहीं हो संभाल पा रहा था। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक बार आके हम दिखा दें। जब आप सेंटर पे हमारे लेके आए बच्चे को अपने, तो जब हमने बच्चे का चेकअप किया तो हमने आपको किस बीमारी के बारे में बताया कि आपके बच्चे को कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम? सर हम यहाँ पे आए हुए थे तो वो ऑलमोस्ट 8 महीने का था, और आप उसके प्रॉपर उसके हाथ पैर गर्दन सब कुछ आपने चेक किया था, और आपने बताया था कि ये बच्चा अभी नॉर्मल नहीं, सर्वल पाल्सी बच्चों में आता है, तो ये आपने बताया था। जब आप हमारे सेंटर पर अपने बच्चे को लेके आए थे तो बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या समस्याएं थी आपके बच्चे में? सर वो 8 महीने का हो चुका था, अब वो अपना गर्दन नहीं संभाल पाता था और ऐसे ही झुका रहता था, खुद से उठ के बैठना, हम बैठा भी दे तो गिर जाता था अपने आप ही। और बोलना समझना उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल था वो उस समय, उसको कुछ नहीं आता था उस समय। और उसके बाद जब आपने हमारे सेंटर पर इलाज स्टार्ट किया, और पहले में और अभी के आपके बच्चे में क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या फायदे हुए हैं आपके बच्चे में? सर आज के डेट में मेरा बच्चा अपना गर्दन अच्छे से संभाल सकता है, बैठ सकता है, खुद से उठ के बैठता है, रोल करना, घोड़ा बन के चलना, बिना हल्के सपोर्ट के साथ उठ के खड़ा भी हो जाता है और चलता भी है प्रॉपर, ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में वो धीरे धीरे आ चुका है। तो अब आप हमारे सेंटर के बारे में बताइए कि हमारे सेंटर पे यहाँ पे कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है, और किस तरह के बच्चों को देखा जाता है, और स्टाफ का यहाँ पे बिहेवियर वगैरह कैसा आपको लगा? सर यहाँ पे जैसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं और अपने हाथ पैर ऐसे करते रहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी उठ ही नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चलने में प्रॉब्लम होती है, उनके पैर कैची रहते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं, समझने की भी उनकी कोई भी वो नहीं, क्षमता नहीं होती, कुछ भी नहीं समझते हैं वो, तो वैसे बच्चों का इलाज यहाँ पे होता है। जो बच्चों में बोलने की प्रॉब्लम होती है वो भी, क्योंकि हम भी खुद अपने बच्चे का स्पीच थेरेपी यहाँ करा रहे हैं, तो बोलने की भी प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। और स्टाफ की बात रही तो जैसे ऐसे बच्चों को नॉर्मल हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ के स्टाफ बहुत पोलाइटली बच्चों के साथ बिहेव करते हैं कि बच्चा उनकी बात सुने समझे और फिर उनको सपोर्ट करे कि वो जो उसको करवाना चाहते हैं एक्सरसाइज वो करे। तो मुझे तो लगता है कि स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। दूसरे पेरेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ सर, मैं एक बहुत बहुत ही अच्छी मैसेज देना चाहती हूँ अपने साइड से, कि पहले के टाइम में ऐसे बच्चे अगर होते थे या किसी के भी घर में, तो लोग डरते थे बाहर में समाज में कि हम कैसे अपने बच्चे को लेके जाएं, और घर में ही रखते थे, उनको पता नहीं था कि इस बीमारी का इलाज भी है, इनफैक्ट वो बीमारी भी नहीं समझ पाते थे। अभी क्या है आज के ज़माने में कि सर ऐसे सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के सर्वे पालती या बच्चे समझ नहीं पाते, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बोलने की प्रॉब्लम, इन सब बीमारियों का इलाज है जो आप सर कर रहे हो, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, आप OT कराते हो बच्चों को, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो सकती है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, अगर आपके बच्चों में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ गोरखपुर डॉक्टर सियोम सर को जरूर दिखाएं, और प्लीज़ पेशेंस रख के आपका बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करता था, और इनफैक्ट सारे डॉक्टर बोल चुके थे, दिल्ली की डॉक्टर तक बोल चुकी थी कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इनफैक्ट चल भी नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से मेरा बच्चा चल रहा है,
तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि प्लीज़ एक बार आप दिखाएं, बिना डर के एक बार आएं, दिखाएं और पेशेंस रखें, आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा। मैडम आपसे एक परमिशन चाह रहे थे कि इस वीडियो को हम अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं ताकि उन पेरेंट्स को जानकारी मिले जो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं, कहाँ जाना है इसकी उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हम इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए आपकी परमिशन लेना चाहते हैं। जरूर सर, आप अपलोड कर सकते हो क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू वो जान पाएंगे कि हाँ ऐसी बीमारी का इलाज है, तो अपलोड कर सकते। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और ऐसे फीडबैक से हमको एक कहते हैं कि हौसला मिलता है और भी हमको जो है शक्ति मिलती है, अंदर से पावर मिलती है ताकि हम और भी बच्चों में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दें। और फीडबैक लेने का मेरा एक यही उद्देश्य रहता है, टारगेट रहता है कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की ठीक होते हुए देखता है, उसको जो खुशी होती है तो उससे डबल, उससे कहीं ज़्यादा हमको खुशी मिलती है कि एक बच्चे की लाइफ को हमने बनाया है। हमारे सेंटर से एक बच्चा जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होके जा रहा है और चल के जा रहा है अपने पैरों पर, तो उस खुशी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते हैं कि हमको यहाँ से कितना खुशी मिलती है जब कोई पेरेंट्स हमारा फीडबैक देता है। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।